आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जामताड़ा जिले में मूंग की खेती पहली बार की गई। सरकारी स्तर पर जेटीडीए संस्था की ओर से उपलब्ध मूंग के बीज को किसानों ने अपनी खेतों में लगाया है और आज ये पौधे का आकार ले चुके हैं। वह भी काफी हरे भरे दिख रहे हैं। फतेहपुर प्रखंड के ही बेजबिंदा गांव में दर्जनों किसानों ने मूंग की खेती पहली बार की है और सफलता भी मिली है। बेजबिंदा गांव के भाटापारा टोले के किसानों का कहना है कि गांव में पहली बार मूंग की खेती की है जो सफल रही है। हम लोगों ने खेत और बाड़ी में काफी मेहनत के साथ खेती की और आज मूंग की फसल लहलहा रही है, जल्द ही इसमें फल आने लगेंगे। लाल बहादुर सिंह, ग्राम बेजबिंदा टोला भाटापारा, खेती किए हैं अपना ही 15 डिसमिल मूंग का, सरकार द्वारा दिया गया है। अभी तो बड़ा बड़ा हो गया है, देने वाला है, फॉर्म दे बना रहा है। मेरा गांव बिजबिंदा है, टोला भाटापारा में हम मतलब खेती किया है, मतलब सरकार भी उसमें मदद किया तो उस मदद देने पर हमको भी बहुत खुश लगा। और पहली बार इसमें मोम हम लगाए हैं तो मोम पौधा भी अभी बड़ा हो रहा है, अभी फल देने वाला है, इसलिए हमारा बहुत खुश है। मेरा नाम है ननुधन मुर्मू, ग्राम बेजबिंदा, जेटीडीएस से दिया है ये मोम। हम लोग खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाम विशेषा मुर्मू, हम खेती किए हैं 20 डिसमिल मूंग के लिए, मूंग भी बड़ा हो गया। हाँ, मेरा गांव बेजबिंदा टोला भाटापारा। मूंग की जो आपने खेती की है तो इसका बीज किसने दिया है खेती में? जामताड़ा जिला के जामतरे प्रखंड और फतेहपुर प्रखंड में मूंग की खेती के लिए किसानों को बीज बांटा गया है और अभी मूंग बड़ा भी हो गया है और इस महीना इसका फल भी आ जाएगा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग नया फसल है और बहुत ही अच्छा होगा। फतेहपुर प्रखंड के किन किन पंचायतों में मूंग की खेती की गई है? फतेहपुर प्रखंड के अग्यासमुंडी पंचायत, बांधनचा पंचायत, आसनबडिया पंचायत, बनोडी पंचायत एवं डुमरिया पंचायत के अंतर्गत सभी किसानों को मूंग का खेती के लिए बीज दिया गया, जिसमें लाभुक 3500 से कुछ ज़्यादा है, जिसमें 59 गांव भी है। आपका नाम और पद? मेरा नाम है ऋतुपति पंडित, मैं जेटीडीएस के अंतर्गत LCYM लोक चेतना युवा मंच जो संस्था है उनका कम्युनिटी फैसिलिटेटर हूँ और डुमरिया पंचायत में काम करता हूँ।